अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डिस्कस करना है। जब हम एक दफ़ा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाते हैं अगर हम रेगुलर प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहे हों। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाता है तो जो नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर जगह पर आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो रोबोटिक्स है, मेडिकल इंडस्ट्री है, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर है, चाहे आपका बिजनेस है, हर जगह पे आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिसकी वजह से टेस्टिंग और एनालिसिस की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। हमने एक बार डिस्कस की थी कि आपका सॉफ्टवेयर कभी भी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं होता, हम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कर सकते। हम एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि ओके हमारा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है या इतना बुरा है, और हर सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करना और उसके ऊपर टेस्ट कैसे देखना, ये बड़े ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और इसी वजह से ये हमारे पास एक अलग से हम लेक्चर्स ले रहे हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें और फ्यूचर में यूज़ भी कर सकें। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है डैट इज़ ह्यूमन इंटेंसिव और ह्यूमंस की नेचर के अंदर है कि वो एरर्स करते हैं, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, और इन्हीं एरर्स की वजह से हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूजली फेल होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास एरर तीन तरह से होता है। हम एक स्टेज पे उसको एरर कहते हैं, फिर वो फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो फेलियर होता है। जब एक प्रोग्रामर कोड कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो उसको प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होते हैं वो एरर्स हैं। अगर वो एरर्स को रेक्टिफाई ना कर सके और वो प्रोपोगेट हो जाए टू द टेस्टिंग फेज, तब वो हमारे पास फॉल्ट बन जाता है, और जो वह वहाँ से भी स्किप हो जाए और वो प्रोग्राम डिजायर्ड रिजल्ट ना दे तो आपका प्रोग्राम एक फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। तो आपके पास स्पेसिफिकेशन आती है प्रोग्रामर के पास जिसके बेसिस पे वो कोड लिखता है, और वहाँ पे पॉसिबल एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं प्रोग्राम के अंदर। जब वो उसके अंदर अभी भी रहें डेवलपमेंट के साथ तो वो फॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं। जब आप प्रोग्रामर उसके बाद जब जब प्रोग्राम के बिहेवियर को चेक करते हैं और वो डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है तो उसके बाद वो फेलियर कंसिडर किया जाता है। अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं टू एस्टैब्लिश कि आपकी टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एरगेन 5 को हमने डिस्कस किया था, एक प्रोजेक्ट था जो कि विद इन 37 सेकेंड्स ऑफ इट्स फ्लाइट इनिशिएशन डिस्ट्रॉय हो गया था। क्या प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर? जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके अंदर ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थे। एक तो ये था कि उसके अंदर जो 16-बिट इंटीजर जहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट को असाइन होना था वहाँ पे 64-बिट नंबर असाइन हुआ हुआ था, इट वॉज नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा हमने एक चीज़ ये देखी थी वहाँ पे कि हमने कहा था कि उसने एक रीयूजेबल कॉम्पोनेंट यूज़ किया था जो कि Aryan 4 के अंदर था। उस कंपोनेंट के अंदर वैलिडेशन चेक्स प्रॉपर नहीं थे क्योंकि Aryan 4 के अंदर वो पॉसिबल परफॉर्मेंस थी नहीं जो कि 5 ने अचीव की, जिसकी वजह से आपकी आउट ऑफ रेंज मेमोरी होगी, ओवरफ्लो होगा, और आपके जितने भी बैकअप कंप्यूटर्स थे सिस्टम के लिए वो शट डाउन हो गए। अब इसकी वजह से इट लॉस्ट इज एल्टीट्यूड और वो एक्सप्लोड कर दिया फिर, और ये जो कंपोनेंट रीयूज किया गया था वो एक्चुअल में इसको ज़रूरत भी नहीं था, तो इस वजह से वी हैड दैट फेलियर। उसकी वजह क्या है? पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल F-18 क्रैश की, जब उसको सिमुलेट करके टेस्ट किया गया तो वहाँ पे वो फ्लिप कर लेता था पूरा प्लेन। उसकी रीज़न सिर्फ क्या थी कि साउथ लैटिट्यूड को मेंशन करने के लिए एक माइनस साइन मिसिंग था, ठीक है। तो सिमुलेशन के अंदर ये एरर आइडेंटिफाई किया गया और फिर इसको रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। मतलब पहले वो क्रैश हुआ, क्रैश के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट की उसके अंदर दे आइडेंटिफाइड एंड देन फिक्स्ड इट इन फ्यूचर मॉडल्स। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर आर वेरी सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उसकी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जांपल है एक रेडिएशन मशीन की जहाँ पे एक पेशेंट को 16,500 से 25,000 तक की रेडिएशन मिली फॉर लेस देन 10 सेकेंड, जिसकी वजह से दैट पर्सन लॉस्ट हिज आर्म और 5 मंथ बाद वो डिसीज हो गया ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। और उसकी रीज़न क्या थी कि जिस जिस मशीन से ये काम किया गया था वहाँ पे वो कंडीशनल ब्लॉक एक मिसिंग था वहाँ पे FLs का, जो कि रेंज लिमिट करती है आपकी रेडिएशंस की। और उसके अलावा उसके अंदर एक सोचा हुआ था कि जो भी एंट्री होगी वो 1,000 से 10,000 के अंदर ही होगी, उससे ऊपर नहीं होगी, जिसकी वजह से ये एरर हुआ और वी लॉस्ट अ ह्यूमन लाइफ। तो अब जब आपके पास सॉफ्टवेयर होता है तो उसके ऊपर दो तरह की टेस्टिंग हम करते हैं, एक होती है वेरिफिकेशन और एक होती है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन के अंदर हम चेक करते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया दैट इज़ करेक्ट, और जो भी स्पेसिफिकेशन थी उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। एंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, जो भी चीज़ें डिफाइन है उसी तरह से हम बना रहे हैं कि नहीं। वैलिडेशन के अंदर हम बेसिकली जो
कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसकी बेसिस पर देखते हैं कि जो कस्टमर ने हमें चीज़ें कही थी वही हमने बनाई है कि नहीं। और ये हम देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस होता है दैट इज़ आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल है एक कि जब आप रिसिप्ट को प्रिंट करवा रहे होते हैं आपकी एक वेरिफिकेशन होगी और क्या वो वही इन्फो प्रिंट करा रहा है जो कि कस्टमर ने हमसे शेयर की हुई है, तो ये हमारे पास एक वैलिडेशन है चेक। तो हम अपनी एप्लीकेशन को दोनों परस्पेक्टिव से चेक करते हैं। अब आपके पास जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत सारी है जिसके अंदर कोड इंस्पेक्शन है, मॉड्यूल टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, उसके अलावा कुछ NFR टेस्टिंग की टेक्निक्स भी हमारे पास। तो इंशाल्लाह आगे कमिंग फर्दर लेक्चर्स में हम इन सबको वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक रनिंग सॉफ्टवेयर को इस इंटेंट से चेक करने की में हेल्प करता है कि उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज हम इनपुट करते हैं, वी नो ओवर कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगी और हम उसको कंपेयर करते हैं कि प्रोग्राम की एक्चुअल आउटपुट क्या है और उसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि जो भी आपका प्रोग्राम है वो ठीक है कि नहीं। अब ये जो इनपुट डेटा है इस पे तीन डिफरेंट हमारे पास करेक्टनेस के लेवल्स हैं, एक है पॉसिबल, एक है प्रोबेबल और एक है एब्सोल्यूट करेक्टनेस। पॉसिबल करेक्टनेस का हमारे पास क्या मतलब है कि हम कोई भी रैंडम इनपुट्स लेते हैं और उसके अगेंस्ट सिस्टम को चेक करते हैं कि जो उस रैंडम इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट होनी चाहिए वही आउटपुट है कि नहीं। अगर वो है तो हम कहते हैं इट इज़ पॉसिबली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है, हम 2 × 3 करते हैं और आंसर अगर उसका 6 है तो इस केस के अंदर हम कहते हैं कि ये पॉसिबली करेक्ट है। इसी तरह फॉर रैंडम वैल्यूज वी कीप चेकिंग इट। प्रोबेबल का मतलब यह है कि हम किसी स्पेसिफिक टेक्निक को यूज़ करते हुए कुछ सिलेक्टिव इनपुट लगाते हैं और उस टेक्निक में क्या फोकस होता है कि मैक्सिमम एरर्स कौन सी वैल्यूज़ पे आ सकते हैं। तो वहाँ पे जब हम उन वैल्यूज़ के ऊपर चेक करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो करेक्टनेस होती है दैट इज़ प्रोबेबल, कि हम बताते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपकी ये चीज़ करेक्ट है। देन आपके पास एब्सोल्यूट करेक्टनेस है। एब्सोल्यूट करेक्टनेस के अंदर हम एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हम अचीव करते हैं डैट इज एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, के अपने हर पॉसिबल आउटपुट को हम चेक कर सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं, आगे हम अभी एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब आप लोगों के लिए क्योंकि अभी तक हमने टेस्टिंग कुछ नहीं की तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप आज स्टडी करेंगे और उसके बाद जब हम पूरी टेस्टिंग पढ़ लेंगे तब दोबारा इस एग्जाम्पल को रिविजिट करेंगे। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल करनी है क्योंकि इससे रिगार्डिंग कल क्वेश्चन भी होगा और वो ग्रेडेड क्वेश्चन होगा आप लोगों से। तो जो यहाँ पे है आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि तीन लेंथ इनपुट लेता है ऑफ अ ट्राइंगल साइड और डिटरमिन करता है कि आदर इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल का क्या मतलब होता है कि जो भी इनपुट है उसके अंदर कोई भी दो साइड्स एक दूसरे की इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस के अंदर हमारे पास कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल के अंदर आपकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये डायग्राम फॉर्म में भी उसने प्रेजेंट किया हुआ है आपको कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन ट्राइंगल किस तरह की हो सकती है और कोड भी गिवन है आपके पास। तो आप लोगों ने क्या एक्टिविटी करनी है कि आपको जितने पॉसिबल टेस्ट केसेस लगते हैं कि जिसके ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं आप लोगों ने टेस्ट केसेस लिखने हैं और फिर यहाँ पे पॉज करके आप लोग टेस्ट केसेस लिखें और आपको ये कल चाहिए होंगे क्लास के अंदर टू शेयर इट विद मी। अब आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं उनको आपने इन 14 पॉइंट्स के अगेंस्ट चेक करना है, क्या आप इन सब चीज़ों के लिए टेस्ट कर रहे हैं। इफ़ येस तो आपने फिर मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपका आंसर ठीक था। इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस प्रोग्राम की एग्जॉस्टिव टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास हर इंटीजर 32 बिट का, इसका मतलब है हमारे पास 2^32 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब तीन वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे अगर लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि इंटीजर सिर्फ 1 से 10 तक है तो हमारे पास 10^12 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर हम 1000 टेस्ट केसेस पर सेकेंड भी एग्जीक्यूट करें तो हमें 317 साल चाहिए इस पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए। तो ये जो टेस्टिंग का ये सारे लेक्चर्स हैं ये इसीलिए हैं कि हमें इतना टाइम ना लगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। हम ऐसे अपने टेस्ट डिफाइन करें कि एज सून एज पॉसिबल हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। तो अब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जब हम उसकी टेस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो इट इज़ ऑपरेटेबल, उसके अंदर जो भी टेस्ट केसेस हैं हम क्लियरली इंप्लीमेंट करके उनके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन ऑटोमेट द टेस्टिंग किसी डिग्री तक और ऑटोमेटिक टेस्टिंग की टेक्निक्स भी हम इंशाल्लाह कुछ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम को डिकम्पोज किया जा सकता है ताकि उसके इजीली टेस्ट लिखे जा सकें।
आपका आर्किटेक्चर सिंपल होता है ताकि हम उसके अंदर अपने टेस्ट को इंटीग्रेट कर सके। अब यहाँ पे भी अगेन आर्किटेक्चर अपना रोल एक प्ले कर रहा है। उसके अलावा इट इज़ स्टेबल, अगर हम उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, इट इज़ स्टिल वर्किंग। और अगेन डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग है उसकी ताकि हम वेरीफाई कर सकें इंटीग्रेशन टेस्टिंग के केस में। अब जब आप एक टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं तो आप क्या सोच के करते हैं कि आपके पास जो उसका ऑब्जेक्टिव है इज़ टू अनकवर एरर्स, किस क्राइटेरिया के अंदर करते हैं कि कंप्लीटली सॉफ्टवेयर को चेक कर सके, और कंस्ट्रेंट क्या है कि मिनिमम एफर्ट और टाइम के साथ ये काम अचीव हो। तो आपका सक्सेसफुल टेस्ट क्या होगा, जो कि अनडिस्कवर्ड एरर्स को आइडेंटिफाई करें। आप मिनिमम टेस्ट के अंदर 100% फंक्शनैलिटी कवरेज करेंगे विद 0% रिडंडेंसी, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको इंशाल्लाह हम वन बाय वन फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो मेथड हैं, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप सिंपली क्या करते हैं कि आप फंक्शनल इनपुट टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हुई हैं कि नहीं। व्हाइट बॉक्स के अंदर आप बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखते हैं, उसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, और वहाँ पर आप बेसिकली पूरे सिस्टम की कवरेज देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये एक और एग्जाम्पल है, बेसिकली ये एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे हर ब्लॉक एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करे और हर डायमंड एक कंडीशन है। यहाँ पे अगर आप इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ को देखो तो सबसे पहले ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर आपके पास कंडीशन है जिसके केस में या ये कंडीशंस लूप में चलेंगी या आपके पास यहाँ पे कंडीशंस ये हैं, और फिर आपके पास कुछ फर्दर ब्लॉक्स हैं जो कि कंडीशन की बेसिस पर रन कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट यहाँ से टेक करने के लिए वो ये है कि इसके टोटल 10^14 कॉम्बिनेशन हैं, इतने पॉसिबल पाथ्स हैं, और अगर सबको हम एक टेस्ट को पर मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करें तो वी नीड दिस मच टाइम टू टेस्ट दिस होल प्रोग्राम। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि हमारा गोल यह है कि हम हर स्टेटमेंट और हर कंडीशन को एटलीस्ट एक दफ़ा टेस्ट करेंगे, और उसके लिए फिर वी हैव डिफरेंट वेरिएशंस बट वी हैव सम चेकलिस्ट, और वो चेकलिस्ट हमारे पास क्या है कि हर लाइन ऑफ कोड एटलीस्ट एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, सारे पाथ्स एक दफ़ा ट्रैवर्स किए जाएंगे, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, बेसिस ऑफ उनकी सिग्निफिकेंस उनको टेस्ट किया जाएगा, जितने भी लॉजिकल डिसीजंस हैं उनको चेक किया जाएगा ऑन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, सारे लूप्स एंड सारे जितने उनकी बाउंड्री वैल्यूज है, इसके लिए एक बाउंड्री वैल्यूज एनालिसिस टेस्ट होता है वो हम देखेंगे, वो चेक करेंगे, और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हमने यूज़ किया उनको हम वैलिडेट करेंगे कि ये वही हैं जो कि एक्चुअल में हमने यूज़ करने थे। जैसे RN5 के अंदर आपको फ्लोटिंग इंटीजर यूज़ करना था बट आपने नंबर यूज़ किया हुआ था। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। आपने बुक से रीड करना है आयन समरवाल की चैप्टर 8 से आपने रीडिंग असाइनमेंट आप लोगों की, और उसके अलावा जो एक्टिविटी मैंने मेंशन की आप लोगों ने वो एक्टिविटी करनी है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।